قبل أن تموت एक नुकता खुल गया भूत قبل أن تموت एक नुकता खुल गया भूत قبل أن تموت एक नुकता खुल गया हो जो मजा जीने में नहीं जो मजा जीने में नहीं हो जो मजा जीने में नहीं वो के मर जाने में है अल्लाह अल्लाह का Assalamualaikum guys, welcome to another video. उम्मीद करते हैं कि आप सब खेरे खेरे से होंगे. मेरे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा. वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी. जिंदा मन और शांति की धरती, मोहब्बत और खुशहाली का देश, ये हमेशा से दुनिया के लिए माल गनीमत की मिसाल बना हुआ है. तारीख बताती है कि यहाँ हजारों साल से कई दूसरीों में सिंध पर कब्जा करने के लिए हमलावर हुई, लेकिन सिंध के लोगों की मजामत की वजह से नाकाम रही. इन जालिम कौमों में से एक कौम अर्गून भी थी, जो कि ईरान और अफगानिस्तान पर उनकी हुकूमत थी. सिंध के लोग अर्गून के सामने सीसा बलाई दीवार साबित हुए. इन जवानों में से एक जवान मखदूम बिलावल भी थे, जो कि समूह कबीले से ताल्लुक रखते थे, जो कि सूफी शायर और स्कॉलर थे. मखदूम बिलावल 1451 में पैदा हुए. इनके वालिद याम हसन एक मोजिस लीडर और स्कॉलर थे. मखदूम बिलावल अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम से हासिल की और फिर इल्म की जस्तजू में पूरे हिंदुस्तान और जुनूबी एशिया के कई मुल्कों का सफ़र भी किया. मखदूम बिलावल को सिंधियों की तरफ से एक वली, हीरो और कौमी इलामत के तौर पर एहतराम किया जाता है. इनकी मज़ार दादू के करीब बागवान में वाक़ है, जहाँ हर साल हज़ारों लोग इनकी ताज़ियत के लिए आते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे इनके अकीदतमंद आ रहे हैं, ग्रॉसरीज को वेट कर रहे हैं. हम मौजूद हैं मखदूम बिलावल की दरगाह पे. जब अर्गून सिंध पर हमलावर हुए तो मखदूम बिलावल ने अपने मुल्क और लोगों की हिफाजत के लिए कमर कस ली. इसने कई जंगों में अर्गून को शिकस्त दी. मखदूम बिलावल ने उमरकोट के राजा भगवान दास छठा के जाम निज़ामुद्दीन और मिर्ज़ा ईसा के साथ मिलकर अर्गून को खूब परेशान किया. इनके मज़ार के बाहर कुछ शॉप्स बनी हुई थी, जहाँ पर अगर कोई अकीदतमंद आता है तो यहाँ से शॉपिंग करके जाता है. यहाँ पर कुछ शॉप्स थी जहाँ पर इनके मज़ार पर चढ़ने के लिए चादरें भी पड़ी थी. मखदूम बिलावल बड़े जंगी माहिर थे, जिन्होंने कम आदमियों के होते हुए भी अर्गुन के लाखों फौज को शिकस्त दी. इन्हीं जंगों में से एक टल्टी के मकान पर लड़ाई की गई. 1521 के मशहूर जंग में से इनके दुश्मन की भारी शिकस्त खानी पड़ी. जब हमेशा की तरह दुश्मन अपनी हिम्मत से इन्हें शिकस्त ना दे सका तो उन्होंने गद्दारों का सहारा लिया. मखदूम बिलावल के साथ ही इसके खिलाफ हो गए और अर्गुन से मिलकर बिलाखर ने गद्दारों की वजह से मखदूम बिलावल को पकड़ा गया और इन्हें दादू के करीब बागबान के इलाके में दुश्मनों के लगाए हुए कैंप में पहुँचाया गया. और उनको अर्गुन की हुकूमत कबूल करने और अपने अकीदे से हाथ उठाने को कहा गया, लेकिन मखदूम बिलावल ने साफ इनकार कर दिया. गुलामी पर मौत की तरजीह दी. अर्गुन ने कई तरह के जुल्म किए, लेकिन जब मखदूम बिलावल को नीचा ना कर पाए तो बिलाकर उन्हें जिंदा तेल निकालने वाली चक्की में डालकर पीस कर मौत की नींव सुला दी. इनकी ये अज़ियतनाक मौत तारीख में अमर हो गई. अल्लाह का मज़ा मुर्शिद तुम्हें पाने आए, भूत
قبل الانت موتو ایک نکتا کھل گیا موتو قبل الانت موتو ایک نکتا کھل گیا موتو قبل الانت موتو ہرگون ختم ہو گئے لیکن مکتو بلاول آج بھی زندہ ہے ان کی شاعری جو کہ سندھ اور فارسی زبان میں ہے آج بھی گائی اور سنائی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہاں پر عقیدت مند آ رہے ہیں ان کی درگاہ پر ان کی درگاہ کے سائڈ میں ایک بڑی سی مسجد بنی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت سی ایک مسجد بنی ہوئی ہے ہر سال ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے جہاں پر ہزاروں عقیدت مند کئی کئی سے آ کر یہاں پر حاضری بھرتے ہیں کتنی بڑی اور خوبصورت سی مسجد بنی ہوئی ہے یہاں پر ایک درخت بھی تھا جہاں پر ان کے عقیدت مند آتے ہیں منت وغیرہ مانگتے ہیں جب ان کی جو ہے منت پوری ہو جاتی ہے تو یہاں پر آ کر حاضری دیتے ہیں آپ ان درخت میں دیکھ سکتے ہیں کیسے دھاگے بندھے ہوئے ہیں مکتوم بلاول ایک مزاحمتی اور بہادر نام ہے اور اس لیے آج میں اپنے بیٹوں کا نام مکتوم بلاول اس کی عقیدت اور اس کی بہادری اور وطنی سندھ سے لازوال محبت کی وجہ سے رکھتے ہیں یہ عالیشان مزار ہزارے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ آؤ ہم آپ کو بتائیں کہ وطن کی محبت کیا ہوتی ہے اور کیسے بلاول اس محبت میں اقتدار چھوڑ کر اذیت ناک موت کو گلے لگا لیا مکتوم بلاول آج بھی زندہ ہے کیونکہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ